अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको गुड़ वाली चाय बनाने का तरीका बताऊंगी, जो कि बहुत इजी है। सबसे पहले लेंगे हम पैन और इसमें एक मग दूध का डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं दो कप बनाने लगी हूँ, इसलिए उस हिसाब से मैंने इसमें दूध ऐड किया है। और फिर हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो दूध लगा हुआ है मग में वो अच्छे से साफ़ हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये हमने इसमें ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से हम हलाएंगे ताकि दूध और पानी मिक्स हो जाए, ठीक है। इसको हम अच्छे से हलाने के बाद थोड़ा सा गर्म होने देंगे। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा गर्म हो गया। अब हम इसमें एक इलायची और हाफ चम्मच इसमें सौंफ डालेंगे, ठीक है। सौंफ इसमें हमने अच्छे से साफ कर लिया प्लेट, ठीक है। इस दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और हम मज़ीद अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाएं, ठीक है। अब यहाँ पे हम पत्ती एक चम्मच ऐड करेंगे। दो कप बना रही हूँ तो उस हिसाब से मैं इसमें पत्ती ऐड करूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, हमने एक चम्मच डाल दिया। अब इसको अच्छे से हलाएंगे ताकि पत्ती का कलर निकल आए। ये देखिए, इसको हलाने के बाद हमने इसमें ऐड कर देंगे शक्कर, ठीक है। ये देखिए, इसको अच्छे से हला के फिर इसमें हमने ऐड कर दिया शक्कर। ये अपना अच्छे से कलर छोड़ दिया। अब इसमें हमने, यहाँ पर मैंने डेढ़ चम्मच लिया शक्कर का। आप अपना टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें और इसको अच्छे से पैन लें ताकि पत्ती का जो कलर है वो अच्छे से निकल आए और जो हमने सौंफ इलायची डाली है वो अपना टेस्ट छोड़ दे, ठीक है। हम इसमें दूसरे मसाले अगर ऐड करेंगे तो शक्कर का और जो सौंफ का टेस्ट है वो नहीं आएगा, वो अजीब सा एक जायका बन जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, जस्ट आपने सौंफ और इलायची ऐड करनी है, ठीक है। सौंफ और जो गुड़ होता है, गुड़ भी डाल सकते हैं, शक्कर भी डाल सकते हैं, सेम थिंग है। तो जो सौंफ और शक्कर जो होती है उसका टेस्ट कुछ अलग ही होता है। जैसे हम चावलों में डालते हैं सौंफ वगैरह, जब गुड़ वाले चावल बनाने हों तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है ना, वैसे ही बिल्कुल आपको इसमें भी मज़ा आएगा। ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब हमने इसको बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। ये देखें, जो ही इसको बॉयल होना शुरू होगा हम इसको और ज़्यादा फेंटेंगे ताकि हमारी जो चाय अच्छे से पक जाए। ये देखें, अब इसमें बॉयल होना शुरू हो गया है। लेकिन आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करें, ठीक है। यहाँ पे हम इसको अच्छे से फेंटेंगे ताकि मज़ीद जो हमने चाय की पत्ती डाली है उसका कलर निकल आए। यहाँ पे मैं दानेदार पत्ती यूज़ करती हूँ, आप यहाँ पे कोई भी पत्ती यूज़ कर सकते हैं, मुझे वही अच्छी लगती है इसलिए मैं वही यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दिया ताकि आप मेरी वीडियो से बोर ना हो। देखें, अब हमने इसको अच्छे से पकाना है। इसको 5 मिनट के लिए हमने ऐसे ही छोड़ना है ताकि बॉयल आ जाए। बॉयल आना शुरू हो गया, हम फिर इसको अच्छे से फेंटेंगे। जो चाय पे ऊपर झाग झाग होती है उसका, उसको देख के अलग ही मज़ा आता है, बहुत ही टेस्टी लगती है। दिल करता है कि फटाफट बस ये बने और हम इंजॉय करें चाय को। ये देखें, सर्दियों में तो ये बहुत ही बेस्ट है। सर्दियों में ये गुड़ वाली चाय पीने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आम रूटीन में भी बना सकते हैं, जो मतलब के ज़्यादा डाइट वाले भी होते हैं या जिनको डायबिटीज़ होती है वो शक्कर वगैरह यूज़ कर सकते हैं, शुगर कम ही यूज़ होती है। ये देखें, यहाँ पे हमारी चाय पक रही है, हमने इसको अच्छे से फेंटना है।
जितना हम भरेंगे हमारी चाय उतनी ही मज़े की बनेगी और सारी चीज़ों का जो टेस्ट है इसमें एक जहाँ हो जाएगा। ठीक है, ये देखो बॉयल आ गया, हमने दो तीन बॉयल ऐसे ही लाने हैं और इसको ऐसे ही फेंटते रहना है। ये देखिए अब फिर इसको ऐसे ही हिलाएंगे हम। यहाँ पे जो है आग जो है हमने फ्लेम बिल्कुल मीडियम ही रखना है, तेज ज़्यादा नहीं करना, इससे हमारी जो चाय है वो तो फटाफट बंद हो जाएगी लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा जो मीडियम फ्लेम में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने फ्लेम मीडियम ही रखना है ताकि हमारी जो चाय है बहुत ही अच्छी और मज़े की बने। ये देखिए ऐसे ही हमने इसको फेंटते रहना है, मुझे दो तीन मिनट इसको और फेंटना है ताकि जो हमारी चाय है बहुत ही टेस्टी और एंजॉय वाली चाय बने। ठीक है, ये देखिए हम इसको बॉयल आ रहा है, हम इसको फेंटेंगे। हमारी चाय रेडी हो चुकी है, बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। अब हम इसको कप में सर्व करेंगे। ये देखिए हमने चम्मच को ऊपर रख के कप में ऐड करनी है ताकि ऊपर ऊपर झाग वगैरह आए, देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए हमारी जो चाय रेडी हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ मेरी आपको छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।